बेटी की शादी के लिए घर में रखे 20,000 नकदी और 1 लाख के चांदी के आभूषण चोरी कर बड़े बेटे की ज्येष्ठ सास फरार। पीड़िता ने कोतवाली समेत एसपी ऑफिस में दर्ज कराई शिकायत। शिवपुरी जिले की सिटी कोतवाल थाना क्षेत्र के बडौदी गांव में मेहमान में आई एक महिला घर से 1 लाख रुपए कीमत के जेवरात और 20,000 रुपए नकदी चोरी कर फरार हो गई। पीड़िता को जब घटना का पता चला तब उसने मेहमान बनकर आई महिला के घर जाकर चोरी की रकम और रुपए वापस मांगे तो महिला ने पीड़िता और उसके बेटे को मारपीट कर बाइक में तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने और एसपी ऑफिस में दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार रामप्यारी आदिवासी निवासी बड़ौदी ने बताया कि बेटी की शादी के लिए उसने 20,000 रुपए और चांदी के जेवरात, झुमकी, एक चांदी की लर, एक चांदी का सिक्का, करधोनी, पायले आदि बनवाकर घर में रखे हुए थे। बीते दिनों बड़े बेटे की ज्येष्ठ सास उषा आदिवासी बहराड़ के देवपुरा गांव से उसके घर आई, जो कुछ दिनों मेहमान में रुकी और घर में चांदी के आभूषण और 20,000 रुपये नकदी कर ले गई। पूछताछ करने पर उषा ने चोरी करना स्वीकार किया, लेकिन अब चोरी का सामान वापस करने से मना कर रही है। उल्टा उषा ने उसके और उसके बेटे के साथ मारपीट कर बाइक में तोड़फोड़ कर दी। रामप्यारी आदिवासी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर महिला से चोरी की रकम और रुपया वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? रामप्यारी नाम है भाई। कहाँ रहती हो आप? बड़ौदी, वार्ड नंबर 16 है। अच्छा, क्या घटना हो गई आपके यहाँ? अरे भैया, घटना कुछ नहीं भाई, मेरी पूरी चोरी हो गई। लड़का की शादी हजूर लाई थी बहुत सालों से। क्या क्या चोरी चला गया आपका? मेरी कर धोनी है, पाजेबी है, कुछ है, झुमकी है, मंगलसूत्र है, पूरा सामान चलोगा मेरा। चांदी का नकद पैसे भी गए? हाँ, नकद पैसे भी जाते हैं के साथ में, पूरी चोरी हो गई। मेरा लड़का बाहर को ले गया। वो कौन ले गया आपको जानकारी है? जानकारी चोर पकड़ ला, उषा नाम की लड़की है, बेड़ार की, मेरी बड़ा की बड़ा सास है। अच्छा, तो फिर आपने थाने में रिपोर्ट नहीं की क्या? अच्छा, अभी एसपी ऑफिस आए, क्या आश्वासन दिया आपको? अच्छा, कोतवाली भेजा है आपको, वो कोतवाली पुलिस कार्रवाई करेगी। कब की घटना है ये, कब लेके चली? कल की घटना है, कल रात की। कल रात में लेके चली गई? तो आपके यहाँ क्यों उषा आपके यहाँ क्यों रहती थी? वो भाई रिश्तेदार नहीं है, लड़का की भाई की बड़ी सास है। अच्छा, बहू की बड़ी बहन है, इसलिए।